बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा नाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई इंडिविजुअल हाउसिंग पर्पज़ के लिए किसी बैंक से या HDFC से लोन ले ले, तो उस पर जो वो इंटरेस्ट पे करेगा, प्रॉफिट ऑन डेट से कहें, तो उस पर उसको मिलेगा बेनिफिट उसका। अच्छा, बेनिफिट क्या मिलेगा कि इस पर रिबेट नहीं है, बल्कि डायरेक्टली आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसके लिए मैं काम करूँगा कि इसको पढ़ूँगा, कुछ कंसेप्ट इसमें हैं। देखिए, पहली बात तो कि साहब, एन इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड, तो ये जो हाउसिंग फाइनेंस वाला जो स्कीम है, ये चूँकि सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए होती है, इसलिए ये AOP या कंपनी इसके लिए नहीं है। एन इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और मार्कअप। अब उसे प्रॉफिट कहें, मार्कअप कहें, इंटरेस्ट कहें, अच्छा, इंक्लूडिंग शेयर ऑफ रेंट। तो बात यह कि आपको पता है कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन वाले जो हैं, उसको बजाय से कि प्रॉफिट कहें, मार्कअप कहें, इंटरेस्ट कहें, उसको वो कहते हैं शेयर ऑफ रेंट एंड शेयर टूवर्ड्स एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द हाउस। तो HDFC वाले आमतौर पर ये करते हैं कि इंटरेस्ट भी लेते हैं, जिसको शेयर ऑफ रेंट कहते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं, जनाब अगर 10 साल का हमारा एग्रीमेंट है, तो 10 साल में जितनी एप्रिसिएशन होगी, उसका शेयर भी आप पे करें। ओके, अब कितनी एप्रिसिएशन होगी, वो उसको इनिशियली एस्टिमेट कर लेते हैं। तो बहर बात ये कि साहब, आप उन्हें ओरिजिनल जो अमाउंट है, उससे एक्स्ट्रा जितना ही पे करेंगे, चाहे उसे आप शेयर ऑफ रेंट कहें, प्रॉफिट कहें, मार्कअप कहें, शेयर टूवर्ड्स एप्रिसिएशन कहें, कुछ भी नाम दें, जो भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, वो आपको एक टैक्स बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, उसका कारण क्या है कि लोन फ्रॉम शेड्यूल बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय SEBI और बाय गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग लोकल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी और अ लिस्टेड कंपनी। अच्छा, लिस्टेड कंपनी को आप ज़रा हाईलाइट करें, ठीक है? ओके, तो हाईलाइट कैसे करेंगे, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर मार्कर ज़रा इसको फेर दें। अच्छा, होगा ये कि लिस्टेड कंपनी को हम क्यों हाईलाइट करवा रहे हैं, इसलिए कि एक तो होता है बैंक से लोन लें, ठीक है, HDFC से लोन लें, लेकिन बात क्या होता है कि अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो अपने एम्प्लॉयज़ को हाउसिंग के लिए लोन कोई लिस्टेड कंपनी भी दे सकती है, वैसे तो कोई अनलिस्टेड कंपनी भी दे सकती है, प्राइवेट कंपनी भी दे सकती है, लेकिन उनके एम्प्लॉयज़ ये बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद तो लिस्टेड कंपनी फॉर, अब ये आ गया, वो लोन आप लेंगे किस पर्पज़ के लिए, फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। या तो आपको घर परचेस करना हो, और डेफिनेटली घर में ये भी हो सकता है कि पहले आपने प्लॉट परचेस किया और फिर उस पर घर बनाया हो, तो भी बैर इसी में आ जाएगा। ओके, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। अच्छा, अब ये हो सकता है कि आपने खुद कंस्ट्रक्शन करवाया हो। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस में बेसिकली ये भी हो सकता है कि आपने कोई घर पहले से आपके पास आ रहा है, ओके, वो ग्राउंड फ्लोर है, आपने फर्स्ट फ्लोर उसका कंस्ट्रक्शन कराया, तो क्या ये कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस की डेफिनेशन मान सकता है? इन माय ओपिनियन यस। हाँ, एक बात जरूर है कोई ये कि अगर आप रेनोवेशन करवा रहे हैं घर की, ओके, स्ट्रक्चरल आपने चेंजेस नहीं की, आप उसी को रेनोवेट करवा रहे हैं, और उस पर्पस के लिए अगर आपने बैंक से लोन लिया हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के तहत, तो उसका टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, एक बात। दूसरी बात ये कि अब इस पर लिमिट कितनी है? अच्छा, इस पर लिमिट है या तो आपके पास हो एक्चुअल प्रॉफिट या मार्कअप, इंक्लूडिंग शेयर रेंट का कह लें या एप्रिसिएशन का शेयर कह लें, फिर आपके पास है 2 मिलियन, फिर आपके पास है 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट आएगा कि अगर मिसाल के तौर पर आपकी इनकम है 16 लाख रुपए, ओके, या 15 लाख रुपए, और आपने अच्छी खासी बड़ी अमाउंट HDFC को दी हुई है, ठीक है, रेंट की सूरत में या प्रॉफिट की सूरत में, ओके, तो अब आप कैसे वर्कआउट करेंगे 50% की फिगर? इसलिए कि 50% ऑफ टोटल इनकम नहीं है, ये 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, तो इस अमाउंट को माइनस करने से पहले जो फिगर है वो क्या हो जाएगी, 150%। ये 50% तो फिर नीचे टैक्सेबल इनकम आएगी 100%। ये वही कैलकुलेशन है जो हमने आपको डोनेशन में करवाई थी। ओके, अच्छा, इसके बाद आप ये जो हमने पढ़ा, देखिए हम आप क्या करते हैं, की पॉइंट्स को थोड़ा सा ज़रा समराइज कर लेते हैं। ये एक पॉइंट हमने आपको लिख के दिया है कि इंडस्ट्रियल या कमर्शियल इमोट प्रॉपर्टी हो, क्योंकि ये हाउसिंग फाइनेंस स्कीम होता ही है किसके लिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो अगर ये इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उस पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा इस पॉइंट पर, यानी कि बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसको ज़रा गो थ्रू कर लें।
देखिए, अब उन्होंने क्या किया, लोन लिया और इंडस्ट्रियल एरिया में ओपन प्लॉट परचेज कर लिया, तो डेफिनेटली इस पर ये आप टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। ओके, इसके बाद एक और पॉइंट क्या है कि अगर आप रेनोवेशन पर्पज़ के लोन लेते हैं तो उस पर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो ये पॉइंट भी एग्ज़ाम में आ चुका है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, अच्छा ना, इसके बाद अब एजुकेशन एक्सपेंसेस, तो बात ये कि अगर आप सीए कर रहे हैं, आईसीएमए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो आपकी फ़ीस है आई कैप की, आईसीएमए की, या किसी कॉलेज की, ओके, या स्कूल में किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या वो उन तमाम एक्सपेंसेस को अपनी इनकम से माइनस कर सकता है? द आंसर इज यस, लेकिन उसमें बड़ी लिमिटेशंस हैं। वो देखिए लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी जो इनकम है वो 1.5 मिलियन से कम हो, तो जिसकी इनकम 1.5 मिलियन या उससे ज़्यादा है उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि जो एक्सपेंस आप माइनस करेंगे वो होना चाहिए लोअर ऑफ द थ्री फिगर्स। अच्छा, उसमें सबसे पहली फिगर क्या है, 5% ऑफ ट्यूशन फीस ओनली। तो अब जिसकी इनकम 1.5 मिलियन से कम है वो ट्यूशन फीस कितनी पे करा होगा और उसका 5% कितना बनेगा, तो ये बहुत छोटी मोटी सी फिगर बन जाती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, सब 60,000 मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल। तो बात है कि अगर आपके अब्बू जी आपके एग्जामिनेशन फीस पेमेंट कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप 12 भाई बहन हैं, ओके, और सब जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 फिगर तो बहुत बड़ी हो गई, तो ज़्यादा चांसेस क्या हैं कि 25% एक्स्ट्रा इनकम या फिर 5% ट्यूशन फीस यही कम होगी। ओके, इसके बाद अब अच्छा देखिए, अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, यहाँ जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं ये कौन से हैं, जो एजुकेशन हासिल कर रहे हों या वो लोग जो एजुकेशन हासिल कर चुके हों, फारिग हो चुके हों, क्या वो भी इसमें आएंगे? जिनको कुछ मेंशन नहीं किया तो वो सब इसमें आ सकते हैं, फाइन। इसके बाद फिर अब उन्होंने कहा, अच्छी आसान सी बात है कि डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस आप कब क्लेम करेंगे, कि जब पेरेंट्स में से कोई एक क्लेम कर सकता है, तो जिसकी इनकम, मिसाल के तौर पर अगर आपने, आप सीए कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बेगम एमबीए कर चुकी है, तो आपकी इनकम तो 1.5 मिलियन से कम होगी, उसकी इनकम 1.5 मिलियन से ज़्यादा होगी, तो आप रिबेट वर्कआउट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये वाइस वर्सा केस हो तो वाइफ रिबेट वर्कआउट कर सकती हैं। ओके, इसके बाद आप नेशनल टैक्स नंबर दें या नाम, तो खा ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, ये उन्होंने एक पॉइंट थोड़ा सा मेंशन किया है जो कि इसका कोई सेंस नहीं है। देखिए, होता ये कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, फाइन, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो एस्टिमेटेड सैलरी इनकम प्लस रिबेट्स वगैरह जो भी विथहोल्डिंग है वो सब कंसिडर करने के बाद टैक्स वर्कआउट करता है, और जो टैक्स बाकी बचता है उसको 12 से डिवाइड करने के बाद फिर हर महीने वो टैक्स डिडक्ट कर लेगा, राइट। लेकिन ये बात मेंशन कर ली गई कि ये जो एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं वो उसको माइनस नहीं करेगा। इससे क्या होगा, अगर मैं सकता हूँ, पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम है और कोई इनकम नहीं है, ओके, तो अब ये चूंकि बेनिफिट कंसिडर नहीं किया जा रहा है, तो इस बेनिफिट की वजह से आपका आपका आ जाएगा रिफंड, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इनकम के ऊपर वो टैक्स डिडक्ट करेंगे, जबकि आपकी इनकम थोड़ी बहुत कम होगी तो इसमें आपका रिफंड आ जाएगा, और आपको तो रिफंड तो मिलना है नहीं, ठीक है। अच्छा ना, इसके बाद अब ये जो एजुकेशन एक्सपेंस हैं इस पर क्वेश्चन आ चुका है कैफ में, छोटी सी कैलकुलेशन है, देखिए वो क्या है। उन्होंने ये कहा कि आप डिटरमिन करें डिडक्टेबल अलाउंस, किस केस में, एजुकेशन एक्सपेंस के केस में, अगर उसकी टैक्सेबल इनकम है 8 लाख रुपए और उसने मंथली फीस पेमेंट की है 6,000 पर चाइल्ड फॉर हिज थ्री चिल्ड्रन। अब बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अच्छा, एक तरफ क्या होगा, 8 लाख का 25%, फिर जो ट्यूशन फीस है उसका 5%, और फिर उसके बाद तीन बच्चे हैं मल्टीप्लाई बाय 60,000, तो अब आपके पास लोअर ऑफ द थ्री फिगर्स। एक आपके पास है ट्यूशन फीस 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12 पे तीन बच्चे हैं उसका 5%, 10,800, और आपको पता है कि बाकी दो फिगर ज़्यादा आ रही हैं, तो जो आप अमाउंट माइनस कर सकते हैं वो कितनी है, 10,800। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। अब आपको करना ये है कि हमारे चैप्टर के एंड में
दो क्वेश्चंस के मैंने हैं, 2.1 एंड 2.2, ठीक है ना। आप चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 इसको आप रिवाइज करें और उसके बाद जो है आप इन दोनों क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करें और हमारे आंसर से चेक करें कि आपने कुछ मिस्टेक्स की हैं तो क्या की हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।